भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद। अरे शान बढ़ा रहे, हमें मालूम है आप लोग बहुत बेसब्री से बाबू भैया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप तक इंतजार किया है थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। बाबू भैया बस पहुंचने ही वाले। बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद। अरे बाबू भैया, बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद। बाबू भैया जिंदाबाद, 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 बाबू भैया जिंदाबाद। नमस्कार, यह सब आप सबों का प्यार ही है कि आपने हमें अपने यूनियन का लीडर चुना है। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों का ये विश्वास हम कभी नहीं तोड़ेंगे। बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद। और आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं, आपके यूनियन का लीडर होने के नाते हमने ये फैसला किया है कि इस एरिया का सारा कार्यभार कि हमारे सबसे भरोसे के कार्यकर्ता ओंकार संभालेंगे। ओंकार भैया जिंदाबाद, ओंकार भैया जिंदाबाद, बाबू 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 भैया जिंदाबाद। बाबू भैया को लगता है जैसे कि ओंकार ही उनके लिए सब काम करता है, और हम तो भोंसड़ी के यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। भैया मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुमसे किसी ने पूछा साले? सॉरी भैया। तो अपने जवान पे लगाम क्यों नहीं देते हो गांडू? सॉरी भैया। चल सिगरेट जला। क्या चितवन, अकेले अकेले पार्टी हो रही है? यार हमसे भी पूछ लिया होता, ऐसी भी क्या दुश्मनी। अरे नहीं नहीं भैया जी, हम तो आपके चुने जाने का जश्न मना रहे थे। वो तो हमको पता है, तुम हमारे दोस्त कम भाई ज्यादा हो। बाबू भैया, वकील घर खाली करने से मना कर रहा, कहता है रिटायर हुआ हूँ, वकालत नहीं भूला हूँ, कोर्ट तक घसीटूंगा। गुड, वेरी गुड। फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं भैया, क्या करता, आ गया। वाह बहुत खूब, भोसड़ी के तुम सबको हराम के खाने की आदत हो गई। एक छोटा सा काम दिया था वो तो हुआ नहीं, उसे वही ठोक देना था। अरे हमारे नाम की कोई इज्जत है कि नहीं इस शहर में? भैया जी प्रणाम। भैया जी हम बाद में आते। ए चितवन रुको। हाँ भैया जी। आज तक तुम्हें हमने किसी तरह की तकलीफ होने दी है क्या? कैसी बात कर रहे हैं भैया जी, आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। तो फिर क्या आज तुम हमें तकलीफ में देख सकते हो क्या? कभी नहीं भैया जी, बस आप उस हरमजादे का नाम बताइए, आपके एक इशारे पर पूरे शहर को लाल रंग से भर देंगे। तुम लाल रंग से भरो या काले रंग से, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मुझे अमरावती निवास की चाबी चाहिए।
जहां तुम जैसे बच्चों के लिए अनाथालय बनवा सके। ठीक है भैया जी, हो जाएगा। कहां है ओमकार भैया? बस किसी को गिनती सिखा रहे हैं। तब तो हमको भी आना पड़ेगा। चल 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 चल। 10 करोड़ का 30% कितना? देखो ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कभी सोचा इसके बाद तुम लोगों का क्या होगा? इसका मतलब तुम लोगों ने यहां से निकलने की प्लानिंग भी कर ली है। दस करोड़ का 30% कितना होता है? तू बता। 3 करोड़। 3 करोड़ भैया को कितना पहुंचाया है? ये भिखारी समझाया क्या? लो भैया जी का काम तो हम आसान कर दिया। गोली कहाँ चलाई? हम बात कर रहे थे ना। अब गोली तो चल गई भैया जी, लेकिन आपको सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जल्दी सीख जा छोटे, आज तेरा राम नाम सत्य था। भैया जी रहते हुए हमारा कोई राम नाम सत्य कर सकता है का? भैया जी सुपरमैन। चल चल साफ करी। भैया जसोर करता है तेज के सुनेगा तो मरेगा कल्लू। रुक रुक रुक। अच्छा मूत लीजिए ठीक से भैया जी। भैया हाँ एगो बात पूछे। अनाथालय का होता है भैया? याना थाले की याद तुमको कैसे आ गई बे? वो बाबू भैया है ना, वो बोल रहे थे अमरावती निवास में बहुत बड़ा अनाथालय बनेगा हम जैसे अनाथों के लिए। अबे वो अनाथालय बच्चों के लिए होता है, तुम जैसे चिरांधों के लिए नहीं। तुम क्या करेगा बे अनाथालय जाके? भैया कुछ भी हो अमरावती निवास खाली करवाना है। बाबू भैया ने बोल दिया यानी लक्ष्मण की लकीर। अच्छा अच्छा ठीक है करवा देंगे। चल पीछे बैठ, पीछे बैठ ना, पीछे बैठ, चढ़ गई है तुमको, चल पीछे बैठ। ए ओमकार भैया हमको आपके जैसा बनना है, एकदम सुपरमैन। ये बाबू भैया का खासम खास। का बोला बे? ओमकार भैया आई लव यू। हमको आपके जैसा बनना है ओमकार भैया, हमको आपके जैसा। आई लव यू। रुको मैं देखता हूँ। अरे अंकल जी प्रणाम, कैसन सब घर पे कुशल मंगल? अरे चाची आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? घर पे मेहमान आए हैं, जाके चाय वाय बनाइए। वो क्या है ना, हम लोग जेंट्स वाली टॉक कर लेते हैं। जाइए। रुको माँ, ये कोई मेहमान नहीं है,
सारे के सारे गुंडे हैं, सिर्फ गुंडे हैं। जी भैया जी। आपको हिंदी समझ नहीं आती मैडम? अभी हमारे फ्रेंड ने क्या कहा? जेंट्स वाली टॉक। चलिए माँ के साथ अटपट अंदर जाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा, जाओगे तो सिर्फ तुम लोग, इस घर से अभी इसी वक्त। मैडम जी कहाँ तक पढ़ी है? हमारे भैया ने क्या कहा? अंदर जाओ। क्या वकील साहब, आप अपने जैसा इन्हें भी जोली LLB बना रहे हो क्या? काव्या अंदर जाओ। काव्या मैंने कहा ना, गो इनसाइड। बचपन में हमारे मास्टर ने एक कहानी बताई, नाम क्या था उसका, खैर छोड़िए। उन्होंने बताया था पानी में रख के मगरमच्छ से बैर नहीं करते, और देखो सेम टू सेम हो रहा है कहानी। वकील साहब वही कर रहे हैं। का है भैया, चुपचाप बोल रहे हैं खाली करने के लिए, घर खाली कीजिए, और बकायदा पैसे दे रहे हैं, इसके घर से निकाल तो नहीं रहे हैं। पैसे लीजिए और अपने परिवार को कहीं आराम से चैन की जिंदगी बसर कीजिए। और वैसे भी बहुत बड़े पुण्य के भागी बनने वाले हैं आप, यहाँ पर बहुत बड़ा अनाथालय भैया जी बनवाने जा रहे हैं, समझे वकील साहब? तुम्हारे भैया यहाँ अनाथ आश्रम बनाए या मंदिर, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भैया जी, मैडम तो बहुत बुरा मान गई, क्या करेंगे अब? मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना, कुछ दिन सोचने का मौका दीजिए। पापा आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं इन गुंडों के सामने? भैया जी बहुत लेवल गिरा के बात कर रही है। ओए मैडम जी, तनी जमान संभाल कर सीखो, सीखो कुछ अपने बाबूजी से। शहर में जाके चार किताबें पढ़ने से ना दुनियादारी समझ नहीं आती। चलो रे चाची, चाय बाद में पी लेंगे। वकील साहब प्रणाम। ये का बनाते रहते हैं भैया, मेरे भेजा में कुछ घुस भी नहीं कर रहा। अबे चूतिया, भेजा तो घर में छोड़कर आया। देख ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये हमारा होटल, ये हमारा फ्रंट एंट्रेंस है, ये है वेडिंग रूम, ये है सेंट्रल रूम, और ये है स्विमिंग पूल जहां तुम गोरी गोरी लड़कियों के साथ नहाओगे। मजा आएगा भैया। अबे चूतिया तुम ज्यादा खुश मत हो, मेरे इस ड्रीम प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा रोड़ा ये है अमरावती निवास। यहाँ तो अनाथालय बनाने वाले थे ना हम जैसे गरीबों के लिए। अनाथालय? हाँ भैया। अरे बाबू भैया कौन है? हाँ भैया जी। वो वकील माना कि नहीं? हाँ 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 मान गया भैया जी। तो कब तक काम होगा? 7 दिन के अंदर अमरावती निवास आपका होगा। अच्छी बात है। ठीक है भैया जी, प्रणाम। अबे बाबू भैया को फोन आते ही तुमको क्या हो जाता है बे? इज्जत करते हैं हम भैया जी का। हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो दूरबीन लेकर थोड़ी आए हैं देखने के लिए तुम कार कर रहे हो। प्रणाम। तुमने बुलाया और हम चले आए। पेपर निकालिए वकील साहब। कैसे पेपर? भैया दीदी फिर बोली। हेलो मैडम, हम लोग कोनो सरकारी विभाग से नहीं आए हैं, चलिए आप अंदर जाइए। बदतमीजियां तो तुम लोगों के खून में ही है। समझा वकील, समझा, अच्छा नहीं होगा। वरना क्या, मारेगा? एक औरत पे हाथ उठाएगा? उठा भी सकता है, जो खुद की इज्जत नहीं करता वो औरतों की इज्जत क्या करेगा? सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए किसी को बेघर करना, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। मैं किसे समझा रही हूँ जिसे ये तक नहीं पता
कि घर क्या होता है, परिवार क्या होता है। वकील, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आप ही से बोल रहे हैं, आपको सुबह से देख रहे हैं, आप दारू पिए जा रहे हैं। बस कीजिए, अब आपको और दारू नहीं पीने देंगे। कहाँ हो गया है भैया, जब से ये वकीलवा के घर से आए हैं ना, बहुत टेंशन आ गया है। आप देखते जाइए, ये वकीलवा के लौंडिया का तो हम। ठीक है तो कह रही हो, ठीक है तो कह रही है। घर का होता है, परिवार का होता है, हम लोग को कहाँ मालूम है। हम तो आज तक बस लोगों के घर उजाड़े हैं, हमको कहाँ मालूम है परिवार का होता है। भैया अब हमको भी इमोशनल करिएगा का। एक बार मुस्कुराइए ना भैया, मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है, एक बार मुस्कुराइए ना। अरे भैया का आंख में जरा देखो तो। अरे भैया को तो वकील वकील लौंडिया से मोहब्बत हो गया। चला हमको और मोहब्बत कभी नहीं। इतना टेंशन यहाँ कहे गए हैं भैया। देखा, देखा। भैया जी मारना है तो यहाँ मारिए ना, और यहाँ से भी मन नहीं भरता है ना तो यहाँ मार दीजिए। पूरे 7 दिन बाद याद किया है तुमको, बताने की जरूरत है नहीं कि वो। भैया जी क्या है कि सोच समझ के बहाने बनाना चितवन। भैया जी थोड़ा सा समय और दे दीजिए। थोड़ा समय मतलब 1 महीना, 2 महीना या फिर 1 साल। अरे नहीं भैया जी, 2-3 दिन और आपका काम हो जाएगा। चलो दिया, पैसे वैसे चाहिए तो बताना। भैया जी पैसे तो हैं। अच्छा ओंकार कहाँ है। अरे ओंकार भैया तो हमारे साथ हैं भैया जी। अच्छा हुआ ओंकार तुम्हारे साथ है, तो काम तो ऐसे भी हो जाता। कोई दिक्कत है क्या। नहीं भैया जी, चलते हैं भैया जी। प्रणाम, जीते रहो। बाबू भैया का बर्ताव आपके प्रति कुछ अलग ही नहीं लग रहा है। क्या बोलना चाह रहे हो बे। उनके लिए ओमकार 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 है हर कुछ है। और ये जो ओमकार भैया है वे लगे हैं साले वकीलुआ के लौंडिया के पीछे। साला बहन चोद बहुते हो गया इज्जत। चल कहाँ भैया, चल चल कहाँ। वकील दरवाजा खोल, वकील वकील, अभी के अभी घर खाली कर, कोई टाइम फाइन हुआ तो अभी गोली मार देंगे। चितवन अच्छा हुआ भैया जी आप यहीं पर हैं। आज बाबू भैया से वादा करके आए हैं कि घर आज खाली करवा के ही रहेंगे, तो वादा तोड़ दे चितवन। क्या कह रहे हैं भैया जी। ओ खेला तो यहाँ से है, खुशबू तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओमकार भैया इमोशन को रखिए थोड़ा कंट्रोल में, नहीं तो हम चाहे भी ना तो बचा नहीं पाएंगे। तू और हमको बचाएगा। बाबू भैया का हर काम करने के लिए ओमकार तैयार है। चितवन
इसके अलावा कुछ भी मांग ले। आप एकदम पगला गए हैं भैया जी। वो भी एक लड़की। चितवार जा यहां से। ये ठीक नहीं कर रहे हैं भैया जी। हम आएंगे जरूर। चलो रे। बैठो बैठो। प्रणाम भैया जी। भैया जी एक बात कहना था आपसे। का बोलना। अरे बोलेगा भी या ऐसे ही चुपचाप बैठा रहेगा। भैया जी वो कहा है ना कि आज वकीलवा के घर गए थे, वो पेपर निकालने ही वाला था और क्या पेन का स्याही खत्म हो गया। मुझे मालूम था कि ओंकार के सिवा कोई ये काम नहीं कर सकता। यही तो बात है भैया, आपको जिस ओंकार पर इतना गुमान है ना, वही आपके और आपके सपने के बीच में दीवार बनकर खड़ा है। सारा बकवास कर रहे हो। अपनी कमियों को छुपाने के लिए तुम ओंकार पर आरोप लगा रहे हो। हमारी वफादारी पे आपने हमेशा शक किया है भैया जी। एक मौका दीजिए हमें अपनी वफादारी साबित करने का। चलते हैं। प्रणाम ओंकार जी। भैया जी आज तक हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट काम रहा है उसको तुमने किया है। हम चाहते हैं कि ये अमरावती निवास खाली करने के लिए जो चितवन को दिया गया था वो तुम्हें दे दें, कैसा रहेगा? भैया वो भले लोग। तुमसे होगा या नहीं? जाने दीजिए ना भैया, कहाँ जाएंगे वो लोग। तुमसे होगा या नहीं छोड़िए ना भैया, रहने दीजिए ना। भोसड़ी का तुमसे होगा या नहीं? नहीं। आंखें नीचे कर। भोसड़ी के आंख नीचे कर। चितवन तुम कह रहा था ना अपनी वफादारी साबित करने का एक मौका दीजिए। जा, तुझको एक मौका दिया। एक बात याद रखना, मुझे अमरावती निवास के साथ साथ ओंकार की भी जान चाहिए। कैसे आना हुआ? बताता हूं भैया जी। चितवन तेरी दुश्मनी मुझसे है। मुझसे बात कर। भैया जी आगे मत आइए। यही चाहता है ना तू? तेरे दिल का कसर पूरा कर देता। मार गोली और छाती चौड़ा करके बाबू भैया से बोलना कि आपने तो ओमकार को मारने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने ओमकार के साथ साथ उसकी मोहब्बत को भी खत्म कर दिया। मार! मार! गाड़ी निकालो रे। ठीक नहीं कर रहे हैं ओमकार भैया। बाबू भैया से बगावत, वो भी एगो लौंडिया के लिए, जबकि उनको पता है कि बाबू भैया वहां पे एगो अनाथालय बनवाने वाले हैं। कौन सा अनाथालय भैया? वहां कोनो अनाथालय नहीं बनने वाला, वहां एक बड़ा सा होटल बनेगा जिसकी ऊंचाई से
बाबू भैया को सब कुछ दिखेगा, लेकिन वहां पे ना कोनो गरीब दिखेगा ना कोई अनाथ दिखेगा, समझे भैया? हेलो भैया जी। हाँ चितवन। कहाँ आना है भैया जी? ओंकार और उस लौंडिया को लेकर अड्डे पर आ जाओ। ठीक है भैया जी। मैंने तुम्हें हथियार दिया और हाथ दिया, हथियार तो तूने मेरा पकड़ लिया लेकिन हाथ किसी और का। अब देखना यह है कि हाथ पे हथियार भारी है या हथियार पे हाथ ठोस लीजिए। बहुत हो गया। हट। का एहसान चुका दिया भैया जी, हमको भी आपके जैसा बनना था ना भैया जी। भैया जी सुपरमैन। सुपरमैन तो बन गया तू मेरा। हाँ भैया जी। हाँ तू सुपरमैन है और हमेशा रहेगा। चल